फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाते हैं दो बूढ़े लोग जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो छुट्टियां गुजारने के लिए कहीं पर जा रहे थे। वो रेडियो पर गाने सुनते हंसी मजाक करते अपने सफर पर जा रहे थे, मगर तभी उनका रेडियो खराब होकर अपने आप ये गाना जीपर्स क्रीपर्स लगा देता है। तभी इनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर काफी गुस्से में ट्रक चला रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा डरने लगते हैं, मगर फिर वो ट्रक आगे निकल जाता है। अभी वो लोग सुकून का सांस लेते ही हैं, मगर तभी उन्हें वो ट्रक एक जगह पर खड़ा हुआ दिखता है जिसके ड्राइवर ने काफी अजीब तरह का सूट पहना हुआ था। वो एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह पर फेंकने जा रहा था, जो देख वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी औरत डरते हुए कहती है, यहाँ बहुत ही खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो अभी वो लोग जा ही रहे थे, मगर वो दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। अब ये देखकर तो वो और डर जाते हैं। बचने के लिए वो इस रोड से उतरकर किसी दूसरी रोड पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रक सीधा चला जाता है। अब वो लोग एक जगह गाड़ी रोककर बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी औरत बार बार अपने हस्बैंड को कहती है, आप क्यों रुके हैं इधर, वो आदमी हमें भी ढूंढकर मार देगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हमें डरना नहीं हिम्मत करनी चाहिए और इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, जिसके लिए वो बूढ़ी औरत मान जाती है। फिर ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ ड्राइवर ने उस लाश को फेंका था। अब वो एक काफी गहरी जगह में बड़ी डरावनी चीज देखते हैं, जिससे उनकी हालत ही खराब हो जाती है। मगर इसके बाद उनके साथ क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। फौरन ही बाद हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिनकी कुछ वक्त पहले शादी हुई थी। इनमें लड़की का नाम लेन था और वो एक हॉरर फेस्टिवल यानी इसे डरावने त्योहार में जा रहे थे। लेन का हस्बैंड मोबाइल पर उसी बूढ़े कपल की वीडियो देख रहा था, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारी लाशों को देखा, मगर उस दिन के बाद उन दोनों को भी किसी ने नहीं देखा। वो लोग कहां गए कोई भी इस बारे में नहीं जानता। लेन का हस्बैंड डरावनी चीजों का बहुत बड़ा फैन था। वो लेन को बताता है कि क्रीपर की कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्रीपर हर 23 साल बाद आता है और लोगों को 23 दिन तक मारता रहता है, और ये 23 दिन लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होते, क्योंकि मौत की तरह क्रीपर सभी के सर पर मंडलाता रहता है और बहुत सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। फिर 23 दिन बीत जाने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। अब लेन को उसकी इन बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो हंसने लगती है। उसका कहना था कि क्रीपर के बारे में ये सब कुछ बस झूठी दास्तान और मनगढ़ंत बातें हैं। डरावनी चीजों को पसंद करने वालों ने उसे अपना हॉरर हीरो बनाया हुआ है। ये सुन उसका हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर को भी दिखाया जा रहा था, मगर वो वीडियो इतनी साफ नहीं थी, इसलिए लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये सारी चीजें बस कहानियां हैं। मगर तभी उसे उल्टी होने लगती है, इसीलिए गाड़ी साइड में लगाकर वो जंगल में एक पेड़ के पास जाकर उल्टी करने लगती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठा रहता है। वो अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं लेन को खुश करने के लिए आज उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। अब जिस पेड़ के पास लेन उल्टी कह रही थी, उसमें हम क्रीपर का एक हथियार देखते हैं, जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो एक नुकीला हथियार था। और पास ही में एक सफेद रंग का परिंदा भी आकर बैठ जाता है, जिसकी आंखें लाल थी और वो बड़ी गौर से लेन को देख रहा था। फिर अब हम इसी जंगल में देखते हैं क्रीपर को, जो 23 साल के बाद अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और बिल्डिंग से बाहर आ गया था। वो पास ही में पड़े जानवर के जिस्म से निकले कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है, वो भी बहुत मजे से, जैसे उसकी कोई पसंदीदा चीज हो। इसके बाद वो जाता है एक स्केयर क्रो के पास और उसके कपड़े निकालकर पहन लेता है, क्योंकि ये उसका पसंदीदा सूट है। स्केयर क्रो दरअसल खेतों में खड़ा किया गया इंसान जैसा पुतला है, जो परिंदों को डराने के लिए खड़ा किया जाता है। फिर इसी जंगल में हम लेन के एक दोस्त को देखते हैं, जो उसी फेस्टिवल में जा रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक चुका था, तो लेन से कॉल करके रास्ता पूछ रहा होता है। जैसे ही एक पेड़ के पास जाता है, तो तभी अचानक से उसके पीछे आ जाती है उसकी मौत यानी क्रीपर। देखते ही देखते उस पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। उधर लेन और उसका हस्बैंड भी रास्ता भूल गए थे, इसीलिए वो यहाँ पर बनी एक औरत की दुकान पर जाते हैं, जो पुराना और कीमती सामान बेचा करती थी। वो यहाँ उस औरत से रास्ता पूछने आए थे। यहाँ वो पुराने कीमती सामान के अलावा बड़ी ही अजीब से काले जादू करने वाली चीजें भी देखते हैं। दुकान की मालिकों ने एक नक्शा देती है, जिस पर यहाँ के सारे रास्ते बने हुए थे। लेन उस नक्शे को लेती है, तभी उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो एक झूले और कुछ लोगों के ग्रुप को देखती है जो काला जादू कर रहे थे, और उन्होंने काले अजीब से कपड़े भी पहने हुए थे। पर अब लेन इस ख्याल से बाहर आती है, तो नक्शा लेकर वो जाने लगते हैं, मगर तभी वो औरत इन्हें कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये दोनों नहीं जानते थे कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मगर इस बात पर ध्यान दिए बगैर वो यहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद वो औरत किसी को फोन करती है और कहती है, एक खुशखबरी है, हमें एक बहुत अच्छा फ्रूट मिला है उसको देने के लिए, जो उसे बेहद खुश कर देगा। लेन और उसका हस्बैंड एक होटल में जाते हैं, जहाँ थोड़ी मस्ती करने के बाद फेस्टिवल में जाने की तैयारी करने लगते हैं।
कुछ वक्त के बाद लेन वॉशरूम में जाती है और टेस्ट करती है कि क्या वो माँ बनने वाली है या फिर नहीं, मगर रिजल्ट उसे काफी अजीब ही दिखता है। एक डॉट जिसके आसपास एक दायरा बना हुआ था। अब यहाँ दोबारा से उसे ख्याल आता है जिसमें दुकान की वही मालिक काले जादू वाला सूट पहनकर एक झूले के पास खड़ी हुई थी। उस झूले में किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। तभी एक क्रो यानी कौवा आकर वॉशरूम की खिड़की से टकरा जाता है, जिससे लेन काफी डर जाती है और सोचती है ओ माय गॉड यहाँ भी क्रो। तभी यहाँ उसका हस्बैंड आकर लेन को ले जाता है और हम रिजल्ट में पॉजिटिव का निशान देखते हैं, मतलब कि लेन सच में माँ बनने वाली है। तो अब हमें यहाँ पता चलता है कि दुकान की मालिक ने उन्हें इसीलिए ही मुबारक दी थी। खैर अब वो दोनों उस फेस्टिवल में चले जाते हैं, मगर बाहरी एक ग्रुप इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। इसी बीच ग्रुप का लीडर कहता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। अब ये बात लेन को काफी अजीब लगती है, मगर वो इसको नजरअंदाज करके अंदर चली जाती है। इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने अलग अलग रोनी मूवीज के कैरेक्टर जैसे हुलिये बनाए हुए थे, जो काफी इंजॉय और मस्ती कर रहे थे। तभी इनके बीच एक लड़का आता है जो सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तीर से किसी ने मारा है, मगर असल में वो सबके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है तो उसका मजाक सच बन जाता है, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है क्रीपर और उस पर हमला करके उसे पेड़ की टहनी में घुसाकर मार देता है। क्योंकि क्रीपर अपने सारे हथियार अपने साथ लेकर शिकार पर निकला हुआ था और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। लेन और उसका हस्बैंड फेस्टिवल में मजे करते हुए इधर उधर घूम रहे थे, मगर तभी वो एक गेम खेलने जाते हैं जिसमें नुकीले हथियारों से निशाना लगाना होता है। पहले लेन का हस्बैंड इस गेम को खेलता है, मगर वो निशाना ठीक से नहीं लगा पाता। अब जब लेन की बारी आती है तो वो क्रीपर का हथियार चुनती है, जिससे उसके सारे निशाने बिल्कुल सही जाके लगते हैं। मगर तभी इस नुकीले हथियार से उसकी उंगली कट जाती है और उंगली पर वही अजीब सा डॉट के चारों तरफ दायरे का निशान बन जाता है। इस निशान को लेन बड़े गौर से देख रही थी, तो तभी उसे फिर से ख्याल आता है जिसमें वो देखती है जो ग्रुप का लीडर इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, अब की बार उसने भी काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। लेन वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और उसके माथे पर यही वाला निशान बना हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे लोग कोई काला जादू कर रहे थे। इसी के साथ ही लेन का ये ख्याल यहीं पर खत्म हो जाता है। इस गेम का मालिक इन्हें बताता है कि यहाँ एक और हार जीत वाली गेम होने वाली है, उसमें भी तुम हिस्सा ले सकते हो। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं और उस गेम में हिस्सा ले लेते हैं, मगर यहाँ दुकान की वो मालिक जिससे इन्होंने रास्ता पूछा था वो सभी पर्चियों के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जिससे हैरानी वाली बात ये होती है कि लेन और उसका हस्बैंड इस गेम को जीत जाते हैं। इनके गेम जीतने का इनाम ये था कि इन्होंने एक ग्रुप के साथ एक डरावने घर में जाना था जिसका स्टाइल बिल्कुल जेपर जैसा था। वो दरअसल एक एस्केप रूम की तरह बनाया गया था, जहाँ कुछ चीजों को पास करने के बाद इन्हें वहाँ से निकलना था। उस घर के अंदर इनके साथ जो कुछ भी होना था उसे बिल्कुल किसी फिल्म की तरह रिकॉर्ड भी किया जाना था। अब इस वजह से दुकान की मालिक और वहाँ खड़ी एक औरत जो सिंगर थी वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब ये दोनों उस पूरे ग्रुप से मिलते हैं जिन्होंने इनके साथ उस घर के अंदर जाना था, जिनमें एक थी इस पूरे फिल्म की होस्ट, एक था मैनेजर और एक कैमरामैन। इनके साथ एक और आदमी भी जा रहा था जो कि इन सबका लीडर था और इसने इन सबकी मदद करनी थी वहाँ जाकर। अब ये लोग उस घर के कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं, जहाँ आकर लीडर इन्हें बताता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस फैमिली के लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और ये कब्रिस्तान काफी सदियों पुराना है। कहा जाता है कि जो फैमिली उस डरावने घर में रहती थी वो बहुत ही अच्छी और नेक थी, मगर ये जगह भूतिया भी हो सकती है, यानी बहुत डरावनी। और अब हमें यहाँ से पैदल चलकर उस घर तक जाना होगा। इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं जो एक बिजली के टावर पर अपना ट्रक लाकर मारता है, जिससे वहाँ की आधी लाइट जाने की वजह से सभी के सिग्नल्स चले जाते हैं। तभी क्रीपर अपने ट्रक से निकलकर बाहर आता है और वहाँ लगी एक कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे वो कैमरामैन भी अपने कैमरा में साफ साफ देख पा रहा था, मगर उसका कैमरा भी खराब हो जाता है और अब वो अकेला ही आगे बढ़ता है। उसे वहाँ सिंगर औरत दिखती है जिसने वही अजीब से काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। कैमरा को ठीक करने में वो उसकी मदद लेने के लिए जाता है, मगर तभी यहाँ क्रीपर आ जाता है और उस पर हमला करके उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से वो उसे मार देता है। उधर लेन का हस्बैंड होस्ट के साथ काफी हंसी मजाक कर रहा था, जिसे लेन को काफी बुरा लग रहा था। पास होकर अकेली ही कब्रिस्तान के रास्ते आगे बढ़ती है, मगर तभी उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ जाता है उसे मनाने के लिए। वो उसे यहाँ बताने ही वाला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर एकदम से क्रीपर यहाँ आता है और लेन को पकड़कर अपने साथ उड़ाकर कहीं ले जाता है। उधर वो तीन लोग कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उन लोगों को वो तो नहीं मिलता मगर उसका कैमरा मिल जाता है खून से भरा हुआ। दूसरी साइड से लेन का हस्बैंड डरकर भागता हुआ यहाँ पर आता है और बताने लगता है कि कोई अजीब सी चीज जो कोई अलग ही तरह की लग रही थी वो लेन को उड़ाकर अपने साथ ले गई है।
वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और पुलिस की मदद लेने के लिए यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वो एक चीज से टकरा जाता है जो एक लाश थी और ये उस कैमरामैन की ही थी। लाश की हालत बहुत ही बुरी थी, खून में लथपथ थी वो। तब यही देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक चीज है जो सब पर हमला कर रही है। इसीलिए वो भागकर उस घर में चले जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके, मगर तभी दुकान की मालिक, सिंगर और एहतजाज वाला लीडर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को हमने रीपर के लिए ही छोड़ दिया है। तब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सारे लोग जिन्होंने ये अजीब सा लिबास पहना हुआ है ये सब काला जादू करते हैं और ये रीपर को अपना गॉड समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। घर के अंदर आ जाने के बाद सब लोग अपने लीडर पर शक करने लगते हैं कि ये भी जरूर उन लोगों के साथ मिला हुआ है और इसी ने हमें यहाँ पर फंसाया है, जिस पर वो कहता है मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लेन को, जिसे रीपर ने किसी जगह पर बांध कर रखा हुआ था। वो उसके पेट पर एक चाकू से कट का निशान लगा देता है। उधर वो लोग डरते हुए इधर उधर जा रहे थे, जिसके बाद वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ लेन के उस दोस्त की लाश लटकी हुई थी जो जंगल में अपना रास्ता भटक गया था। इसके फौरन ही बाद यहाँ पर आ जाता है क्रीपर, जिसे देखकर तो उनकी हालत ही खराब हो जाती है। अब हॉरर चीजों को पसंद करने वाले जो क्रीपर को अपना हीरो समझते थे, आज उनकी बात सच हो गई, मतलब कि सच में क्रीपर पाया जाता है। उसके बारे में जो बातें हैं वो मनगढ़ंत नहीं है। यहाँ हम उसका हुलिया साफ साफ देख पाते हैं जो बेहद भयानक था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा रावना था। लीडर जिसके हाथ में गन थी वो क्रीपर पर गोली चलाता है जो क्रीपर के हाथ पर लगती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। तो मौका देकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब क्रीपर लेन की दोस्त की लाश पर से उसका हाथ उखेड़कर अपने हाथ पर लगा लेता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि क्रीपर सभी की लाशों को इस्तेमाल करता है और उनके जिस्म के हिस्सों से ही जुड़कर वो बनता है, और अगर जख्मी हो तो उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करके बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेन खुद को किसी तरह छुड़वा लेती है और वहाँ से भागकर इन लोगों के पास आ जाती है। वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर फोन था। मैनेजर का पैर वहाँ बिछाए एक जाल पर लग जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। लेन के हस्बैंड पुलिस को कॉल करके यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताने लगता है, मगर तब तक यहाँ क्रीपर आ जाता है। वो इन पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर वो लोग यहाँ से भागकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। होस्ट कहती है वो हमारे पीछे पड़ गया है, हम बचेंगे कैसे। जिस पर लेन के हस्बैंड कहता है क्रीपर इमोर्टल है, वो कभी नहीं मर सकता। बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद हमारा पीछा छोड़ दे या फिर हम लोग 23 दिन के इस खतरनाक और परेशान कुन टाइम को गुजार लें और बच जाएं। तभी क्रीपर यहाँ भी आ जाता है। वो लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो होस्ट पर हमला कर देता है। वो उस पर अपने हथियार से हमला करके उसका सर ही काट देता है, जिससे उसका बहुत सा खून बह जाता है और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। उधर वो लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सा काले जादू का सामान पड़ा हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ क्रीपर को गॉड समझने वाले लोग उसकी पूजा करते थे। तभी लेन को एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि काला जादू करने वाले लोग उसके आसपास हैं, जो उसके जिस्म पर खून डालकर उसका पेट काटकर इस वक्त भी जादू ही कर रहे हैं। फिर तभी क्रीपर उसके पास आता है, जिससे वो समझ जाती है कि क्रीपर मुझसे क्या चाहता है, यानी मेरा बच्चा। फिर वो ये बात अपने हस्बैंड को भी बता देती है कि हमारा बच्चा होने वाला है और वो बच्चा क्रीपर लेना चाहता है ताकि वो उसे कुर्बान करके उसकी जिंदगी खुद ले ले। अब इसी कमरे के बिल्कुल नीचे उन्हें एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थी। तब वो लोग यहाँ सारी बात समझ जाते हैं कि इस जगह पर लोगों का एक ग्रुप है जो क्रीपर की पूजा करते हैं और उसके लिए बहुत सारे लोगों को फंसा कर वो यहाँ लाते हैं, जिसके बाद क्रीपर उन्हें खाकर ताकतवर और खतरनाक रहता है और ये चीज काफी सदियों से चलती आ रही थी। तभी लेन बताती है कि क्रीपर को मारा जा सकता है क्योंकि उसका जिस्म कमजोर और मुर्दा बढ़ता जा रहा है। तब यहाँ हमें ये भी समझ आती है कि क्रीपर को लेन का बच्चा चाहिए खुद को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उस बच्चे को अपने लिए कुर्बान करके उसकी जिंदगी खुद लेना चाहता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जिसे वो अभी अभी पैदा हुआ है, इन्हीं पहले की तरह खतरनाक और ताकतवर। इसी वजह से ही इस फिल्म का नाम जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न पड़ा है। और वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन तभी यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में अपना चाकू जैसा हथियार मारता है, जिससे उसकी बड़ी बेरहमी से ही मौत हो जाती है। इनका लीडर क्रीपर पर एक चाकू से हमला करता है
है और वहाँ से भागने लगता है, तब वो भी लीडर का पीछा करता है। तभी बाहर क्रीपर लेन को देखता है जो काला जादू करने वाला चाकू अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। फिर वो उसके पास जाने लगता है क्योंकि लेन ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उधर लीडर और लेन का हस्बैंड घर की छत पर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लेन के पास आता है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। अब हम जानते हैं कि लेन को हथियार चलाने काफी अच्छे से आते थे और उसके पास कुछ नुकीले हथियार मौजूद भी थे जिन्हें पहले वो क्रीपर के कान में घुसा देती है और बाद में उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें फोड़ देती है। इससे यहाँ क्रीपर अंधा हो जाता है। ऊपर से वो दोनों एक काफी बड़ा रॉड नीचे फेंक देते हैं जहाँ वो खड़ा था। वो रॉड क्रीपर के मुंह के आर पार हो जाता है जिससे वो वहीं अधमरा हो जाता है। तभी यहाँ बहुत सारे क्रोज यानी कव्वे आ जाते हैं और बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, जिस हड़बड़ी में लीडर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेन का हस्बैंड नीचे उतर कर आता है और उसे संभालता है। फिर बहुत सारे परिंदे आकर क्रीपर को उठा लेते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को बचाकर गाड़ी में बिठाती है। मगर तभी हम लेन की आंखों को अचानक से काला होता हुआ देखते हैं। अब आपको याद ही होगा कि क्रीपर ने उसके पेट पर जादू वाले एक चाकू से कट का निशान लगाया था, फिर अपने जिस्म के एक हिस्से को लेन के पेट में डाल दिया ताकि वो उसके बच्चे को निगल जाए, और उसने ऐसा कर भी लिया था। इसका रिजल्ट हमें दिखाया भी जाता है जहां बहुत सारे क्रोस और परिंदे क्रीपर्स के आसपास होते हैं। फिर उसका जिस्म किसी कवर की तरह बनकर फट जाता है और अंदर से निकलता है क्रीपर रिबॉर्न होकर यानी दोबारा पैदा होकर, जो बिल्कुल जवान नया दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि लेन पर उसने जो काला जादू किया था वो पूरा हो गया था, जिसमें उसने लेन के बच्चे की जिंदगी ले ली। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।